हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से जुड़ी एक अहम खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला। दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उनसे पार्टी में गुटबाजी की शिकायत की। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि कुछ लोग पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। इन दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोग पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया पर कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तकलीफ में है, उनकी पीड़ा को हमने खड़गे साहब को बताया है। दोनों नेताओं का यह भी मानना है कि पार्टी के कुछ लोग जीतते हुए माहौल को खराब करना चाहते हैं। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचकर तमाम बातें की। राजा पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे साथ ही तमाम अपडेट के साथ। राजा, कांग्रेस की रार बजाय कम होने के हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती दिख रही है। इसी कड़ी में अब खबर यह आई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने, और सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि इनडायरेक्टली दीपक बाबरिया के बारे में शिकायत की गई है कि वो पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दे रहे। क्या खबर है राजा आपके पास? और बिल्कुल, देखिए कल देर रात इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी है, दिल्ली में मुलाकात हुई है। जिस तरीके से जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, हर एक जिले में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट है वो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया उसको सौंपेंगे। तो बड़ा आरोप जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार इन तीनों नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने लगाया है कि जो प्रभारी है उन्होंने जो पुराने कार्यकर्ता हैं हरियाणा में उनकी अनदेखी की है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी क्योंकि हाईकमान तक ये बात पहुंच चुकी है, मुलाकात हो चुकी है। अब प्रभारी की बात कर ले या फिर और अन्य जो नेता जिनका नाम आ रहा है वो किस तरीके से मुलाकात करते हैं, तो दिल्ली में जो है हलचल तेज देखने को मिल रही है। आज भी कई बड़े नेता जो कांग्रेस आला कमान है, बड़े नेता है, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी निकल कर सामने आई है। लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर बड़े नेताओं की बात करें, किस तरीके से हाईकमान इसको संभालता हुआ नजर आता है। जी तो राजा, क्या लगता है आपको, कांग्रेस की रार कांग्रेस के लिए लगातार परेशानी तो बनती जा रही है? अब बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि चुनावी साल है, आगामी चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जिस तरीके से संगठन को लेकर लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, फिलहाल वो जो कयास है वो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। ठीक है राजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजा बहुत शुक्रिया आपका।